जीता जागता सपना पूरा हो रहा है। ये सपना है 30 साल पुराना, जो अब पूरा होने को है। 37 साल की सायरा बानो का स्कूल जाने का सपना सपना ही बनकर रह गया था, लेकिन आज वो सिर उठाकर कोचिंग क्लास जा रही है, और वो भी अपने बच्चों की उम्र के स्टूडेंट्स के साथ। बच्चों के साथ ही बेंच पर बैठना और उन्हीं के साथ पढ़ाई करना सायरा की दिनचर्या का अब हिस्सा बन चुका है। सायरा के पास स्कूल की मार्कशीट तो है ही नहीं, लेकिन ये कोचिंग क्लास में पढ़ाई भी किसी डिग्री के लिए नहीं की जा रही, बल्कि ये पढ़ाई सिर्फ इसलिए है कि सायरा को बस सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना है खुद के लिए, पढ़ना है अपने बच्चों के लिए, और पढ़ना है बचपन के अधूरे सपने के लिए। सबसे पहले तो मुझे पढ़ाई करनी थी, जो मुझे घर वालों ने पढ़ने नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने मेरी पढ़ाई रोक दी, और फिर उन्होंने ज़्यादा समय काम वाम करते रहे घर का, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरी शादी कर दी। शादी भी ज़्यादा टाइम 6 साल शादी रही, उसके बाद हस्बैंड की डेथ हो गई। फिर उसके बाद मैंने पढ़ने की कोशिश करी कि, पर मेरे साथ 2 बच्चे और थे, उनका कौन ध्यान रखता, इसलिए मैंने पढ़ाई को छोड़ के अपने बच्चों को पालने की पालने का सहयोग करा। मैंने कहा नहीं, इनको पढ़ा लिखा कि इनको भी अच्छा से कोई अच्छा काबिल इंसान बनाना चाहती हूँ। घर वालों ने भले ही सायरा से पढ़ने का हक छीना हो, लेकिन उसे पढ़ने का अधिकार मिला मंदसौर के गनेरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिली मदद से। गनेरीवाल ट्रस्ट को जब सायरा के सपने की जानकारी मिली, तो उन्होंने पढ़ाई की फीस भरने के बजाय सायरा के लिए निश्चित आमदनी की तरकीब निकाली, ऐसी तरकीब जिससे सायरा के सारे सपने पूरे हो सकें। वो सपने जो सायरा ने खुद के लिए देखे थे, विधवा होने के बाद अपने बच्चों के लिए भी संजोए रखे थे, और वो भी खुद की मेहनत के दम पर। ये विधवा महिलाएं या जिन महिलाओं को उनके पति ने छोड़ दिया, ये सारी महिलाओं के पास चूंकि ये काम पर नहीं जाती थी, पति इनके लिए कमाता था, और ये एक हाउसवाइफ की तरह काम करती थी। पति के न रहने से एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल गैप इनके जीवन में आ गया। किस तरीके से अपने जीवन को आगे चलाएं, किस तरीके से अपना पेट पालें, किस तरीके से बच्चों का पेट पालें। जब इनको ये ई रिक्शा मिला, अब और उसके बाद पैसे कमाने शुरू किए, 25-30 हज़ार रुपया महीना इनके पास आने लगा, तो अपने आप को झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकाल करके अच्छी बस्तियों में लाना इन लोगों ने चालू किया है। बच्चों की पढ़ाई शुरू करी है, कई अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, कई हिंदी मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं, और एक अपने जीवन के स्तर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सेव पैकिंग तो कभी लहसुन छीलने की मजदूरी कर अपने बच्चों का पेट पालने वाली सायरा ने गनेरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट का फॉर्म भरा, तो नंबर तो आना ही था, फिर क्या। गनेरीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने सायरा को दिया ई रिक्शा, लेकिन इस सहायता के बीच परिवार की वही प्रथा आड़े आ गई कि जब लड़की पढ़ने के लिए बाहर नहीं जा सकती, तो ई रिक्शा कैसे चला सकती है। सायरा की इस मुश्किल घड़ी का निराकरण भी गनेरीवाल ट्रस्ट ने ही किया। ट्रस्ट के सदस्यों ने सायरा और उसके परिवार वालों को महिला सशक्तिकरण का मंत्र समझाया, और बताया कि उनकी बेटी और बेटी के बच्चों के लिए ई रिक्शा चलाना क्यों जरूरी है। बहुत सारी चुनौतियां, ये सब चीजों से लड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि बहुत मेरे फादर थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं था ये ऑटो चलाना, के नहीं अपने में नहीं चलाते हैं लेडीज़ हैं। उनको भी समझाया मैंने कि कब तक आप बुजुर्ग हो, मैं कब तक आपके ऊपर निर्भर रह सकती, इसलिए फिर वो भी समझे इन चीज़ों को, और उन्होंने भी मुझे फिर आगे सहयोग करा कि ठीक है आप अपना काम करो, जो आपको अच्छा लगता है ऑटो चलाना तो फिर आप चलिए, रिक्शा मिल रहा है ऑटो रिक्शा वगैरह, तो मैंने भी फॉर्म भरा वहाँ पर कि मेरा भी कभी नंबर आ जाए, तो मेरा नंबर फिर हालांकि लग ही गया कि मेरे को भी मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को ऑटो मिल गया, और उससे मैं सक्षम हूँ, और मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे रही हूँ, और चाह रही हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ। बस बहन से मैं मिला और वो खुद पढ़ना चाहती थी, परिवार ने किसी कारणवश उसे पढ़ने नहीं दिया, शादी हो गई, शादी होकर के विधवा हो गई, उसके 2 बच्चे हैं।
गरीब इतनी थी, 3,500-3,000 रुपया महीना कमाती थी, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती थी। जब ई रिक्शा मिला तो वो मुझसे कह रही थी, भैया मुझे अब 20,000 से 25,000 से 30,000 रुपया महीना में कमाती हूँ, अपने बच्चों को मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला है, और अब मेरे बच्चे, न सिर्फ मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, पर मेरा जो सपना था कि मैं पढ़ना चाहती थी और मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, अब मैंने भी स्कूल ज्वाइन कर लिया है, मैं भी जा कर के स्कूल में पढ़ती हूँ, और वो महिला रिक्शा भी चलाती है और स्कूल में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही है। उसका एक सपना था, उस सपने को अब पूरा करने की कोशिश कर रही है। यह महिलाओं के अंदर बदलाव आया। अब जैसे तैसे परिवार तो तैयार हो गया, लेकिन एक मुसीबत और थी कि जो बेटी बचपन में स्कूल नहीं जा सकी, वो आज मंदसौर की सड़कों पर ई रिक्शा कैसे दौड़ाएगी। सायरा को ई रिक्शा चलाने का संबल भी गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रदान किया। उसे ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी गई, साथ ही शहर की अपरिचित सड़कों से रूबरू भी कराया। फिर क्या था। जमाना खराब होने की पारिवारिक सोच ने फिर अड़ंगा लगा दिया और सायरा के हाथों में किताबों की जगह मेहंदी आ गई। अब गनेड़ीवाल चैरिटेबल ट्रस्ट से मिले ई रिक्शा के दम पर सायरा बड़े ही सम्मान के साथ कोचिंग क्लास जाकर पढ़ाई की सीढ़ियां चढ़ रही है। कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स कभी कभार मुस्कुरा भी देते हैं, लेकिन कोचिंग में सायरा का ध्यान रहता है सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई पर। आज खचाखच भरी कोचिंग में भी शिक्षक से पूछने में सायरा को किसी तरह की झिझक नहीं है। और ये जो दीदी हैं, इनको पढ़ने का बहुत शौक है, तो कभी कभी ये यहाँ पढ़ने आ जाते हैं और मैं इनको कुछ टॉपिक भी समझाता हूँ, और ये अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में इनके बच्चों को भी पढ़ा सके। बच्चों के साथ कोचिंग आना और लंबे समय तक कोचिंग में रुके रहना, फिर बच्चों के साथ वापस जाना, इसे यही समझा जाता था कि माँ अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर लेकर आती है। लेकिन अब सायरा की पढ़ाई के चर्चे समूचे मंदसौर में भी होने लगे हैं। देखो बहन जी यहाँ पे आती थी, मैं देखता ऐसे को बच्चों को छोड़ने आती थी, लेकिन जब एक बार थोड़ा सा बात हुई तो ऐसा लगा कि ये खुद पढ़ने आ रही है। मैंने क्या बोला, यार मेरी पढ़ाई जीवन में पहले छूट गई थी, तो मेरी वापस इच्छा है कि मैं कुछ पढ़ूँ और आगे कुछ करूँ। तो मेरे ऐसा लगा कि अरे ये खुद इतना संघर्ष करके आगे बढ़ना चाह रही है, तो वास्तव में कुछ न कुछ समाज को प्रेरणा दे रही है, अपने जीवन में कुछ आगे तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन आगे जाके समाज को भी, बच्चों को, नए जो बच्चे हैं उनको सिर्फ करना चाहिए। दिन रात मेहनत के बाद भी सायरा महज 100 रुपए ही कमा पाती थी और इसी से बच्चों को गुजारा करना पड़ता था। लेकिन गनेड़ीवाल ट्रस्ट से मिले ई रिक्शा से आज 500 से 600 रुपए की आमदनी चुटकी की बात है। चाबी घुमाते ही सायरा का ई रिक्शा सड़कों पर फर्राटे भरता है। जितना अधिक पहिया घूमता है आमदनी उतनी ही अधिक। नतीजा, बच्चे आज अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो रहने के लिए अब बस्ती से बाहर अच्छी कॉलोनी में बड़ा घर भी किराए से ले लिया है। बच्चों से लेकर खुद की अच्छी पढ़ाई, पौष्टिक राशन, बड़े घर का किराया, बच्चों के साथ सुकून के पल बिताने के लिए सायरा को अब पहले जैसा सोचना नहीं पड़ता। बहुत फर्क है। जब पहले के जीवन में ऐसा था कि हर चीज़ को खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था मुझे कि ये चीज़ लेना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कुछ चीज़ लाने के लिए, क्योंकि बहुत हिसाब किताब से सब काम चलता था पहले तो। और अब इन चीज़ों के लिए मुझे कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, बेहिजक में मेरे बच्चों को हर चीज़ दिलवा सकती हूँ और वो बेहिजक सब चीज़ ले लेते हैं। ऑटो देखिए बहुत बड़ी